ओलिमिट 10 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है इंटास फार्मास्यूटिका प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। ओलम जेपिन 10 mg इसके अंदर रहता है, 92 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसके अंदर टैबलेट रहती है, 10 टैबलेट रहती है। और ये टैबलेट जो कि एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो कि ट्रीटमेंट करती है सीजन फोरिया और मैनिया डिसीज का, ये ट्रीटमेंट करती है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो कोई भी मेडिसिन से, कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते एक छोटा सा इंट्रो के बाद। ओलिमेट 10 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है इंटास फार्मास्यूटिका प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। ओलंजेपिन 10 mg रहता है और 92.50 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है सीजन फोरिया का, एक मेंटल डिसऑर्डर है उसमें ये काम करता है, और मैनिया का ये ट्रीटमेंट करता है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको डाइजीनेस हो सकता है, नींद का कम आना हो सकता है, ड्राइजनेस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल स्टफनेस हो सकता है। तो जब भी इस टैबलेट को ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये टैबलेट काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है ओलंजेपिन, जो कि क्या करता है कि केमिकल मैसेंजर भेजता है डोपामाइन और सेरोटोनिन को, जिससे मूड इंप्रूव होता है और बिहेवियर चेंज होता है। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।